वन को हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायो को, बायोलॉजी को, और हमने देखी थी बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस और उसकी फील्ड्स, ब्रांचेस एंड फील्ड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मेकअप। मेकअप से मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, वो क्या कंपोनेंट्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मिलके बने हुए हैं। तो जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है, हम उसे लेवल्स के अंदर स्टडी करते हैं, हम उसको एक ही दफ़ा में इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत वाइड टॉपिक है। तो हम डिफरेंट लेवल्स बना लेते हैं, लेवल्स का मतलब है हम डिफरेंट स्टेजेस बना लेते हैं और उन स्टेजेस को स्टडी करते हैं वन बाय वन, और फिर हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को देख लेते हैं। जितने भी हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर चीज़ है, एवरीथिंग, हर चीज़ से जो है वो एटम से मिलके बनी होती है। एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। अब जितने भी एटम्स हैं, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, टोटल जो दुनिया में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं, 92 नेचुरली अकरिंग। अब इन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, इन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब है? बायो एलिमेंट्स का मतलब है कि ये एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। चार्ट को हम स्टडी करेंगे। इस चार्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये सब बायो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और ये सारे बायो एलिमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस हमारे पास हैं, किस परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब इन सारे एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 65%, यानी हमारी बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकती है, यानी किसी एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है कोई कंपाउंड बना ले जैसे वाटर, या इसके अलावा कोई और कंपाउंड, या फिर ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में भी हमारे बॉडी के अंदर पाई जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं उनमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, आयोडीन। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक दो एलिमेंट्स और भी आ जाते हैं, जिनमें है हमारे पास मैंगनीज आ जाता है और कुछ और एलिमेंट्स। तो जो बाकी एलिमेंट हम जो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, हम उनको ट्रेसेस बोलते हैं, बिल्कुल छोटे से अमाउंट में जो हमारे पास पाया जाता है। इन ट्रेसेस में जिंक भी आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर वगैरह, ये आ जाते हैं। अच्छा, तो हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस को। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन से लेके पोटेशियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस तक, ऑक्सीजन से लेके फॉस्फोरस तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे बॉडी के 99% कवर करते हैं, यानी हमारे बॉडी के 99% जो मास है, बॉडी मास, वो इन एलिमेंट्स का है, यानी इन 6 एलिमेंट्स का। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन हर एलिमेंट की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, हर एलिमेंट हमारी बॉडी में इक्वली ज़रूरत है।
ये जो 16 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनको स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर या इन एलिमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमें देखें टोटल हमारे अर्थ के ऊपर 92 एलिमेंट्स हैं और उन 92 में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब बाकी क्यों नहीं पाए जाते? बाकी इसलिए नहीं पाए जाते बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो कि उनको अलाउ करती हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा सकें। यानी ये 16 एलिमेंट्स स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं। अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल्स में हम इनको क्यों पढ़ते हैं? लेवल्स में हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, इनकी बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है। फिर हम जब इनको स्टडी करने लगते हैं तो हमें हर तरह के पर्सपेक्टिव में देखना है, हमें इनके फिजिकल फीचर्स को देखना है, फिजिकली देखना है, और फिर हमने इनके फंक्शंस वगैरह को देखना है क्या फंक्शंस हैं। फिर अब हम लोगों ने डिफरेंट बायोलॉजी के फील्ड्स पढ़ी थी, उनमें हमने देखा था ये कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से एक्ट करते हैं, इनके सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से हैं। इसी तरह फिर जब हमने देखा कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ मरीन हैं, कुछ जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम उनको अलग से स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हमारे पास जिसमें हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला लेवल जो हमारे पास आता है वो हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर मज़ीद जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर उसके अलावा पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स, जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यानी एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब हम पूरे इनको कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक एटम बनाते हैं। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन करके एक एटम बनाते हैं। उसके बाद जो लेवल हम स्टडी करते हैं वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल में हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनेल्स, सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स को जब हम स्टडी करें तो वो सेल एंड ऑर्गेनेल्स लेवल आ जाता है। सेल्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हम सेल्स के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, और सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कहते हैं सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है या वैक्यूल है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली चीज़ें वैक्यूल हो गया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, जो भी हमने सेल के बारे में पढ़ा है सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाती है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद जो लेवल आता है हमारे पास वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? टिश्यू लेवल में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं जब डिफरेंट एक जैसे सेल्स कंबाइन करते हैं तो उनका ग्रुप टिश्यू कहलाता है। यानी ऐसे सेल्स जिनका एक ही फंक्शन हो या एक जैसे स्ट्रक्चर हो, उन सबको हम कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया। तो ये कौन सा लेवल हो गया? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेवल हो गया। उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं वो एटम्स को और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं,
एटम्स को जब हम स्टडी करेंगे तो एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद जो लेवल आता है हमारे पास वो है सेल एंड ऑर्गेनाइज लेवल। सेल और ऑर्गेनाइज में हम क्या पढ़ेंगे, हम डिफरेंट सेल्स को स्टडी करते हैं, सेल्स के मेकअप, किस तरह से सेल बना हुआ है, उसका क्या फंक्शन है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइज पाई जाती हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल के बाद जो है हमारे पास आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है और उनकी क्या बनावट है। टिश्यू लेवल के बाद हम स्टडी करते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल डिफरेंट टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो हमें मालूम है कि वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ कंबाइन करके एक ऑर्गन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी लेग या फिर हमारी आर्म। तो मसल्स कंबाइन किए यानी टिश्यूज़ कंबाइन किए और एक पूरा ऑर्गन बन गया। ऑर्गन लेवल को जब हम स्टडी करेंगे उसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स को देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हम डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करते हैं जो उन ऑर्गन से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट जो भी बॉडी के अंदर नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व्स जब वो कंबाइन करती हैं तो हमारे पास नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम, तो नर्व्स जो है वो ऑर्गन थी और नर्वस सिस्टम ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है। इसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम्स को हम स्टडी कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, यानी कि सब सिस्टम कंबाइन हुए और एक पूरा ऑर्गेनिज्म आ गया। ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करें हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो हम जब पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वो आ जाता है ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर। ऑर्गेनिज्म लेवल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं उसे हम कहते हैं स्पीशी। स्पीशी लेवल, स्पीशी किसे कहते हैं? स्पीशी हमने पढ़ा था कि स्पीशी ऐसी चीज़ें, हर वो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म्स जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और उनके इंटरब्रीड करने से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बने। फ्रीली इंटरब्रीड का मतलब है कि हम इजीली उनके मैच बना सकें, उनके क्रॉसेस बना सकें आपस में, और उसके बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स या न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो वो फर्टाइल हो, यानी वो भी कैपेबल हो कि उसके बाद मज़ीद जनरेशन बनाई जा सकें। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे होते हैं वो एक स्पीशी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीशी के अंदर हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पीशी है। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स में हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट है तो रोज़ एक अलग स्पीशी है। इसी तरह अगर हम मज़ीद एनिमल्स में देखें या एनिमल्स के अंदर मज़ीद देखें तो कैट्स आ जाते हैं, कैट्स की एक अपनी स्पीशी है। तो ये सब स्पीशीज़ हैं। इसके बाद स्पीशी लेवल के बाद जब हम स्टडी करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। स्पीशी लेवल में भी ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म थे। स्पीशी लेवल के बाद जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए जाते हों वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हों तो पॉपुलेशन लेवल कहते हैं हम उसे, क्योंकि एक लेवल है ये पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ये है
कि डिफरेंट स्पीशीज एक ही वक्त में एक ही जगह पाई जाए, और ये जब सब ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हों उन सबको हम जब स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं ये कम्युनिटी लेवल है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टडी किए। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल, उसके बाद एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद हमारे पास ऑर्गन लेवल आया, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म के बाद स्पीशी लेवल, और स्पीशी लेवल के बाद पॉपुलेशन, और फिर कम्युनिटी लेवल। और डिफरेंट कम्युनिटी जब कंबाइन होती हैं उसके बाद एक जो सबसे बड़ा लेवल आता है हमारे पास जिसमें ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, वो स्पेस है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स भी होते हैं, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, उसमें छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। एक डायग्राम अगर हम देखें तो इससे हमारे थोड़ा सा क्लियर होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से किन किन लेवल्स पे होते हैं। अब ये डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में आप देख सकते हैं, इन मॉलिक्यूलर लेवल में हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक जो लेवल था वो भी कंबाइन हो चुका है। इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, इसी तरह ये डीएनए बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे जीन्स जिसके ऊपर होती हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर के बाद सेलुलर लेवल आ जाता है। सेलुलर लेवल पे हम सेल्स को स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास एक नर्व सेल बनाया हुआ है। इसके बाद जो आ जाता है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स, इसे हम टिश्यूज़ कहते हैं, टिश्यू लेवल। और टिश्यू लेवल के ऊपर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास था नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो है डिफरेंट नर्व्स के जो सेल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज जो है। फिर उसके बाद टिश्यू लेवल के बाद हम स्टडी करते हैं ऑर्गन लेवल। तो नर्व टिश्यू से, नर्व टिश्यू से क्या बने, ब्रेन बन गया। ब्रेन जो है वो एक पूरा ऑर्गन है, तो इसको हम स्टडी करेंगे, ऑर्गन लेवल आ जाएगा। ऑर्गन लेवल के बाद मज़ीद हमारे पास आ गया सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद जो हम देखते हैं वो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर हम इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जिस फॉर एग्जांपल एक एनिमल हो गया, एक प्लांट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तब एक पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर हम एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे रह रहे हों उनको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म के बाद बेसिकली हमारे पास स्पीशीज आती है, वो सब स्पीशीज जो एक ही जगह पे हों, एक ही वक्त में एक ही जगह पे पाई जाएं, उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर देख सकें आपको हॉक नज़र आएगा, फिर इसके अलावा आपको स्नेक नज़र आएगा, इसके अलावा ग्रास है, फिर डॉग है हमारे पास, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं और इससे एक कम्युनिटी बन गई है। इस कम्युनिटी लेवल के बाद जो नेक्स्ट होता है हम कहते हैं इकोसिस्टम लेवल। कम्युनिटी लेवल को भी कंबाइन किया हुआ है। इको लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, इको लेवल में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को भी स्टडी करते हैं। यानी ये थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके नॉन लिविंग सराउंडिंग में स्ट्रीम आ जाती है, रॉक्स, एयर वगैरह, ये सब कंबाइन करके इकोसिस्टम बनाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लेवल है वो है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर क्या है, या जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सब कंबाइंड फॉर्म में हों। इकोसिस्टम कंबाइंड फॉर्म में किस तरह से होंगे, यानी सारी दुनिया के इकोसिस्टम्स अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो बायोस्फीयर बनाते हैं, पूरी अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये तो थे हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बायो एलिमेंट्स को स्टडी किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ लेवल्स देखे हमने डिफरेंट,
ऑर्गेनाइजेशन के कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करते हैं तो हम किन लेवल्स पे स्टडी करते हैं.